पहली बात, द होल फिल्म इज सेट इन कैलकटा. द फिल्म स्टार्ट्स इन 1971 आफ्टर द वॉर. And one of the reasons of the war was that there was a lot of illegal immigration that was happening into the country from Bangladesh, which was newly found. So major part of the film is set in Calcutta. That is why the set of Calcutta is here. It's also set because picture ke andar ye dono kirdar hain, Bikram aur Bala ke, they get into black marketing of coal. Aur Dhanbad ke andar koile ki khadane hain. So the film travels into Dhanbad. Basically, whatever little you have gathered from the trailer, it's about two outlaws, and it's about outlaws which is created by the system. You know, usually when you go wrong, there is a reason behind going wrong. The time that the film is set in, there was a lot happening. Calcutta was politically very turbulent. So when you watch the film, you'll understand why it's called Gundi. So, yeah, I play Bala. I'm the slightly more naive one out of both of us. He's the slightly more sorted one. Main thoda restless sa hun picture mein. I'm a little more aggressive than him. He's a little more thought out, a little more calculated. It's very difficult for me to describe Bala without talking about Bikram because we are two sides of the same coin. Hum dono do alag log sahi, lekin hamari thinking, hamari mentality, we function the best when we are together as characters also. Aur aap wo picture mein dekhenge. So I'm the slightly more aggressive one. थोड़ा मैं front foot पे रहता हूँ. He's slightly more calmer. His approach, he calms me down. And more than that, I think if I get into it, it'll give too much away of the film. So it's best that let the trailers come out. What Ali दोनों would like एक us दूसरे के बिना अधूरे. Correct. So that is why we fall in love with the same girl as well, which is what is pretty justified. इतने करीबी दोस्त हैं. पहली बात तो दोनों अलग किस्म के गुंडे हैं अपने ही तरीके में. अर्जुन एक साइलेंट गुंडा है. वो जब you know, सामने आता है सबके तो वो बोलता नहीं है, पता नहीं चलता, बस क्वाइटली कर जाता है जो उसको करना होता है. रणवीर बता के आता है, धूम धड़ाके के साथ आता है. एंड लेकिन गुंडागर्दी अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से प्यार में हमेशा गुंडागर्दी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तभी तो इश्क में मज़ा आता है. एंड इस फिल्म की खास बात यही है कि हर चीज में इन दोनों में गुंडागर्दी है. दूसरा मैं तो ये मैं बताता हूँ, रणवीर ने एक मच्छर के साथ इन्हें डेंगू हुआ था, काफी गुंडागर्दी करी. मेरी मुठभेड़ हो गई थी. मुठभेड़ हुई थी, ये बात बहुत जरूर है. मैं हंस के मुस्कुरा के फुल फुला के स्माइल के साथ अपनी गुंडागर्दी कर देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गई. हमने ये भी देखा कि लोग भगवान के सामने घंटी बजाते हैं. हम देख रहे हैं प्रियंका के सामने आप लोग घंटी बजा रहे. प्रियंका, किस विश को फुलफिल करना चाहेंगी इन दोनों की? उनको सिखा रही हूँ मैं कि देवियों को कैसे ट्रीट किया जाता है. अरे वाह, क्या नाम दिया है. ऑफ कोर्स यू मस्ट कॉल मी अ रोमांटिक देवी. आई अलाउ इट. बेबी, आई मीन देवी. बोलो. फूलो फलो. जो भी ट्रेनिंग आपने दी है मैं उसका यूज कर रहा हूँ. ये किसी इंडियन एक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है इस कैबरे का लुक. अली वॉज वेरी क्लियर कि जिस तरह ये कहते हैं इनके शब्दों में, ये एक इंग्लिश कैबरे है और कलकत्ता में उस जमाने में ऐसा बहुत हुआ करता था. इंग्लिश कैबरे विच वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम यूरोप. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ कैबरे. एंड इसमें जो डांसिंग भी है वो काफी यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस के साथ है. आपको इतने यंग बॉयज के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, जो मैं अभी 60 साल की उम्र में बैठ के और हम जो 12 साल के हैं, 9 साल के दूध पीते बच्चों के साथ काम कर रही हूँ. नहीं नहीं, वो नहीं, एक्चुअली आपसे अनुभव में थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग, क्योंकि अभी इन दूध पीते बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगी मैं. हाय एवरीवन, प्रमोशन, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आरती. नो नो, आई जस्ट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन. यू नो अनुभव, मैं एक्चुअली अर्जुन को बहुत सालों से जानती हूँ, सलाम इश्क के दौरान से. हम तब से दोस्त हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत रहे हैं, हम पार्टीज में बहुत मिलते थे. रणवीर से मुलाकात अभी हुई है कुछ साल पहले, लेकिन सो आई ऑलरेडी हैड अ रिलेशनशिप विद अर्जुन, सो दैट वॉज वेरी ईजी. लेकिन जब तीनों हम लोग साथ में काम करना शुरू किया, आई थिंक अनुभव की बात इतनी आई नहीं, क्योंकि ये लोग इतने एंथुजियाज्म के साथ आए हैं. एंड अली का रेन इतना टाइट था कि उनको डेफिनेटली क्लियरली पता था कि हम तीनों को क्या करना था, तो अनुभव की बात ज़्यादा आई ही नहीं. एंड मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रणवीर और अर्जुन सिर्फ यू नो 2 or 3 फिल्म्स ओल्ड हैं, बिकॉज एक्चुअली वी हैव वेरी सिमिलर माइंड सेट्स. वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग द फिल्म.
हमने बहुत मस्ती खोरी की इस फिल्म में, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ओ माय गॉड देयर वाज सो मच ऑफ डिफरेंस. रणवीर और अर्जुन दोनों अपना ही मुकाम और अपने ही एटीट्यूड और अपने ही एक पर्सनालिटी के साथ इस फिल्म में आए हैं और अपना ही खुद का मुकाम बनाएंगे, और जब आप फिल्म को देखेंगे आप खुद कहेंगे कि इन दोनों से बेहतर इस फिल्म को कोई नहीं कर पाता. All the action, all the drama, all the emotions that happen in the film is because of the romance. So when you see the film, you'll realize that there is genuine romance in the film. इसीलिए 14th Feb. ने का मतलब ये है कि it is an action drama. There is a lot of action, there is a lot of drama. लेकिन हमारी फिल्म में comedy भी है, लेकिन romance भी भरपूर है. तो आप Valentine's Day को romance को बिल्कुल miss नहीं करेंगे अगर आप अपनी girlfriend या boyfriend को लेके जाएंगे गुंडे देखने.